लास्ट वीडियोस में पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यू इरेजर अंडू रिडू इन सब का क्या वर्क है सेव ऑप्शन का ओपन का क्या वर्क है तो इन दिस वीडियो वी विल लर्न द शॉर्टकट कीज ऑफ दीज टूल्स अब सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट एनी टाइम यहाँ से हमने सिलेक्ट की तो मैं इसको अंडू करना चाहूंगी कि बस एक ही रहे एक स्टेप पीछे चला जाए अंडू मतलब होता है एक स्टेप पीछे करना तो इसको हम करेंगे कंट्रोल प्लस जेड तो ये अंडू ऑप्शन हो गया लेकिन सपोज अगर मुझे दोबारा से वो ही चाहिए कि नहीं मेरे को मतलब गलती से मैंने स्टेप रिवर्ट कर दिया है मुझे दोबारा से वही चाहिए तो हम रीडू करेंगे कंट्रोल प्लस वाई तो ये टाइप हो जाएगा नया वाला ऑप्शन आ जाएगा जो भी नेक्स्ट स्टेप था हमारा वही सेम आ जाएगा इसके बाद अगर मैं इसको सेव करना चाहती हूँ तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन भी है और इसको हम कंट्रोल प्लस एस भी सेव करेंगे तो हमारा ये सेव हो गया अब इस फाइल को अगर मैं ओपन करना चाहती हूं, तो यहाँ पर टूल भी है और इसका शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस ओ कंट्रोल प्लस ओ से आपके पास जो फाइल बनी हुई है आप उसको देख सकते हैं। जितनी भी फाइल्स हैं सारी फाइल्स बनी हुई हैं तो इनमें से जो भी आपको सिलेक्ट करनी है आप उन पर क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे और अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डिलीट करनी है इरेज तो यस मैं इरेज कर सकती हूँ अगर मुझे ये वाली इरेज करनी है तो इरेज ठीक है और अगर मुझे बैक जाना है तो बैक चले जाएंगे एक्सपोर्ट करना है कहीं पर तो हम एक्सपोर्ट भी कर लेंगे ओके सो स्टार्ट एंड देन अब देखिए अब ये न्यू न्यू में होता है कि अगर हमें कोई नई स्लाइड लेनी है ये हमारी डन uh, हो चुका है हमारे यहाँ पे वर्क हमें न्यू लेना है तो हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं जैसा मैंने पहले बताया था न्यू पर लेकिन अगर हमें शॉर्टकट की यूज करनी है तो हम उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन कंट्रोल प्लस एन से आप देखो आपके पास ये आ जाएगा व्हाइट अगर प्लेन लेना है आपको बैकग्राउंड तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो अदरवाइज ये जो डाउन एरो है इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको बैकग्राउंड में जो भी लेना है आप उसे सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो आपके में ये बैकग्राउंड आ जाएगा उसके बाद आपको कुछ भी ड्रॉ करना है तो आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं ओके थैंक यू